एंट्री वैसे लोगों को नहीं करने देगी कि दिन में आप भाजपाई हैं और आपने आरजेडी का रोटी सेकते हैं। एक्सीडेंटल नेता को यहाँ जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। ये शक्ति है, ये दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर रात छुपाना पड़ता है। आज सीने में कितना दर्द हो लेकिन महफिल में मुस्कुराना। दरौंदा विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। रविवार को दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बगौरा में बबुआ जी के घर के प्रांगण में दरौंदा विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक जदयू नेता अजय सिंह और भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी के नेतृत्व में की गई। इस बैठक के जरिए अजय सिंह और जितेंद्र स्वामी ने दरौंदा विधानसभा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और मन से भाजपा विधायक व्यास सिंह को खुली चुनौती दी। ऐसे में यह साफ हो गया है कि अब दरौंदा के विधायक व्यास सिंह की राह दरौंदा में अब आसान नहीं नजर आ रही है। जो नीतीश जी को गाली दे रहा था, मोदी जी को गाली दे रहा था, पासवान जी को गाली दे रहा था, उस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाने के, इस तरह के अगर होता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, यहाँ के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका माकूल जवाब देंगे। एनडीए के साथ को अजय सिंह बचाएंगे निश्चित रूप से। एनडीए आते आते यह कह गए, वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया पर कह गए कि जब मैं दरौली से लड़ा था तो वहाँ ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र था, तो वहाँ से ब्राह्मण जब मैं लड़ा तो ब्राह्मण गुम हो गए थे, मैं दरौंदा में आया हूँ यहाँ से क्षत्रिय गुम हो जाए, क्या इशारा कर रहे थे वो? देखिए दोनों लोग जिससे गठबंधन किए हैं और जो गठबंधन में आए हैं महागठबंधन में, इन दोनों लोगों के राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने कील ठोका है, राजनीतिक दुकान दोनों लोगों की बंद कर दी है। अब तो यहाँ आए हैं, यहाँ भी पता चल जाएगा, यहाँ भी आपकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, फिर आपको जाना पड़ेगा दरौली और मैरवा के रुख करना पड़ेगा। तो कहीं एनडीए में कील ठोकने का इरादा तो नहीं है? देखिए एनडीए हम लोगों के है, एनडीए हम लोग हैं और एनडीए के नेताओं ने कहीं किसी वजह से कहीं गलत फैसला किसी दबाव में ले लिए होंगे, तो जनता सुधार करती है, जनता सुधार कर देगी, कार्यकर्ता सुधार कर, जनता मालिक। तो ये मान के चला जाएगी कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि एनडीए जिस अगर किसी प्रत्याशी जिस भी प्रत्याशी को देगी और वो पसंद लायक नहीं होंगे तो आप लोग निश्चित रूप से, हम लोग एनडीए के हाथ मजबूत करने वाले लोग हैं और किसी के सत्ता में वैसे लोगों को एंट्री नहीं करने देंगे और यहाँ की जनता एंट्री नहीं करने देगी। जनता 8 महीना में समझ गई है, यहाँ की जनता एंट्री वैसे लोगों को नहीं करने देगी कि दिन में आप भाजपाई हैं और आपने आरजेडी का रोटी सेकते हैं, वो ऐसे लोगों को यहाँ नहीं जनता लाइक करेगी, यहाँ की जनता माफ करने वाली नहीं है। एक्सीडेंट में कोई नेता हो गया तो एक्सीडेंटल नेता को यहाँ जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। और मेरा मानना है और मेरा कहना है कि हम लोग शक्ति परीक्षण नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, हम इनको भाड़े पे तो बुलाए नहीं हैं और कहीं से इनको पैसे पे तो बुलाए नहीं, ये हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, ये हमारे साथ आए हैं, जहाँ इनका जो आदेश होगा, जैसे भाई ने जैसे बोला, अभी अभिभावक हैं हमारे, जैसे इन्होंने बोला कि जनता ही मालिक है, हम लोग अपने जो हमारे लोग हैं जिनके बीच में हम लोग हैं, जिनके बीच में हमें काम करना है, उनके बीच में हम आए हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और उस निर्णय पे हम लोग आगे जाएंगे। तो अपार जन समर्थन जो जनता दे रही है, कहीं ना कहीं संदेश तो दिया जा रहा है कि आप चुनाव में निर्दलीय आए? जी नहीं, ये संदेश नहीं दिया जा रहा है, अभी हम एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए हमें टिकट देगी और राजनीतिक रणनीति और राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। 1% अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? ये आप सोचिए, हम तो 100% है, हमें ही मिलेगा। अजय जी से बात हुई, अजय जी ने कहा कि दरौंदा आइए, अगर एनडीए से मुझे अगर टिकट मिला तो मुझे समर्थन कीजिए, अगर रोहित कुमार अनुराग को टिकट मिला बीजेपी से तो हम उन्हें समर्थन करेंगे। इस निर्णय में अब इफ बट का क्या सवाल है, अभी तो पार्लियामेंट्री वोट का निर्णय आया नहीं है, टिकट तो नहीं, टिकट तो 8 दिन पहले से कदम बट गया था,
आप देख ही रहे थे, व्यासदेव प्रसाद जैसे व्यक्तित्व जो पूरे इस जिला में एक सीट मिला था तो व्यासदेव प्रसाद जी जीते थे सिवान से। पार्टी को सींचा जिस व्यक्ति ने, तीन तीन बार चार चार बार पार्टी को सीट दिया हुआ व्यक्ति, और जब वह आदमी पर ईश्वर का कहीं ना कहीं अटैक हुआ, वह आदमी विकलांग होने पर लगा लकवा मारा, वह आदमी हिम्मत से उठकर खड़ा हो गया और राजू सर आप अटैक करिएगा, हम बहुत कुछ नहीं कहते यारो, यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर रात छुपाना पड़ता है, आज सीने में कितना दर्द हो लेकिन महफिल में मुस्कुराना।